अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पूरे हैदराबाद के अंदर ये कैफे ट्रेंडिंग पे चल रही है और ये है नीरा कैफे। यहाँ का नीरा पीते ही लोगों का दिल खुश और फेफड़े पुदीना हो जा रहे हैं। इसके वास्ते यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग लाइना लगा के ठहर रहे सुबह सुबह, और एक जने को सिर्फ 5 बोतल दे रहे वो पीते ही लोग ठंडे हो जा रहे। लेकिन आजकल अपने पुट्टे हिमाखतों में आके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे, जिसके बाद में सीना संदोख हो जा रहा और जिसम बंदोख। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आखिर ये नीरा क्या है, ये सेंधी के झाड़ से निकलता। अब सेंधी का नाम सुनते ही थोड़े लोग बोलते नको भाई, बाबा मारते हमारे अम्मा गालियां देते। ये नीरा एक ऐसा ड्रिंक है इसको छोटे बच्चे भी पी सकते, और नहीं पुलिस वाले भी रुका के फूको बोल के भी नहीं बोलते। आखिर ऐसा क्या है इस ड्रिंक के अंदर जो तेलंगाना गवर्नमेंट 20 करोड़ रुपए लगा के इसकी होटल खोल दी। बट स्टिल मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द नीरा एंड टॉडी। इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो सुबह सुबह मेरा दोस्त नींद में से उठा दिया और बोला कि चलो भाई स्टारबक्स को जाएंगे कॉफी पीने के वास्ते। तो मैं बोला इस्माइल भाई तुम्हारे भी अजीब अजीब शौक है, सुबह सुबह कॉफी पिलाने के लिए एयरपोर्ट को लेके जा रहे। पहाड़ी की रोड पे हम लोग जा रहे थे, इस्माइल भाई के फिर नए नाटक शुरू हो गए। भाई बोले जम के आ रहा भाई जरा साइड में रोको, क्योंकि एयरपोर्ट की रोड थी इसी वजह से प्लेन जा रहे थे और इस्माइल भाई की नजर भी ऊपर चली गई। प्लेन को देख के इस्माइल भाई टाटा कर दिए, उसके बाद में प्लेन झाड़ियों में घुस गया। तभी इस्माइल भाई की नजर ये झाड़ के ऊपर चले गई। अब ये देख के इस्माइल भाई हंसने लगे, तो मैं पूछा सब खैरियत से इस्माइल भाई, ऐसा ही को हंस रहे ये झाड़ को देख के। तो इस्माइल भाई हंसते हुए बोलने लगे कि गर्मी के महीने में कौन वहां पे ठिलिया रख दिया की, अब उसमें पानी कब जमा होता की कब निकाल के पीता की। तो मैं बोला इस्माइल भाई वो पानी के वास्ते नहीं है, उसमें से निकलता नीरा। सो बेसिकली नीरा इज अ सैप एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टॉडी पाम्स एंड यूज्ड एज अ ड्रिंक। तो मैं इस्माइल भाई को बोला कि बायोलॉजी के क्लास में बंक मार के पार्कों को जाने का नतीजा ये निकलता, आज तुम्हारे कुछ भी नहीं मालूम है। अब इस्माइल भाई के पास खुद को डिफेंड करने के वास्ते कुछ भी नहीं रहा, तो उन्होंने बोलने लगे कि नहीं भाई इसमें से सेंधी निकलती शदना, और सेंधी के अंदर 4% अल्कोहल रहता है, जिसका मतलब ये हो जाता कि वो हराम रहती। तो मैं इस्माइल भाई को समझाया, देखो इस्माइल भाई तुम यहाँ चाके मार खा जा रहे, तो ये जो झाड़ों के ऊपर ठिलिया लगाई जा रही है सूरज निकलने से पहले निकाल लेते, और इसको जब झाड़ से निकालते उसके कुछ घंटों के अंदर ही इसको पी लेना रहता, वरना इसका कलर भी चेंज हो जाता और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता। और जब तक इसका टेस्ट चेंज नहीं होता इसको नीरा बोलते, और नीरा पीना जायज भी है, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ही ज्यादा है। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन, विटामिन और खास तौर पर अमीनो एसिड कुदरती तौर पर ये झाड़ के रस में पाए जाते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोल्ड ड्रिंक में नहीं है। अब इस्माइल भाई को भी हकीकत समझ में आने लगी। उसके बाद में इस्माइल भाई बोले कि अरे भाई अब सूरज निकल गया ना, आप पी सकते क्या? तो मैं इस्माइल भाई को समझाया और बोला कि इस्माइल भाई जो रोडों के ऊपर बेचते हैं वो खरीद के अब ये टाइम पे अपन नहीं पी सकते। कई को बोले तो इन लोगों का नीरा बोल के टॉडी चिपका देते, और बड़े बड़े उलमा इकराम का भी ये फतवा है जब तक ये नीरा की हालत में रहता है उसको दिन में भी पी सकते, तो उसको नीरा की हालत में रखने के वास्ते उसको 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करना पड़ता। और तेलंगाना में तो 3 लाख से ज्यादा टैपर्स है जो रोज नीरा निकालते झाड़ से। और जहां तक नीरा की बात है, नीरा एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है, और इस झाड़ का फल भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसी झाड़ से आइस एप्पल निकलता है, जिसको खासकर तेलंगाना के रीजन में मुंजल बोलते हैं, और अगर आप ये खरीदना चाहते हैं बारकस की रोड पे ये आपको मिल जाएगा। और ये लोग 100 रुपए के 15 मुंजल बेच रहे थे, और हो सकता है कि आप लोग ऐसा मंडियों पे से खरीद के खाए होंगे मुंजल, लेकिन ये मुंजल और वो मुंजल में बहुत ही ज्यादा फर्क है। ये लोग जब का जब फल में से निकाल के देते हैं और टेस्ट भी अच्छा होता है। ये सब सुनने के बाद इस्माइल भाई बोले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो इस झाड़ के अंदर खजाने छुपा रखे हैं, ये तेलंगाना का हेल्दी ड्रिंक है। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन वाले बदनाम करने के वास्ते सीएम केसीआर को क्या बोल रहे हैं, अरे भाई गुड़ुम्बा की कैफे खोले। तो कोई भी आपको सामने नीरा को गुड़ुम्बा बोला तो उसके मुंह में बकरे की हड्डी ठूस डालो। अब और थोड़े एडवांस लोग आके क्या बोल रहे हैं मालूम है, अरे भाई हमारे गाँव में तो 100 रुपए लीटर मिल रहा, तो वो जो तुम्हारे गाँव में मिलता ना उसमें डिस्गस्टिंग स्मेल रहती और वो पीने के लायक नहीं रहता। तो इस्माइल भाई बोले भाई स्टारबक्स का प्लान कैंसिल, चलो नीरा कैफे चलते हैं। तो गाड़ी को पलटाए और सबसे पहले पहुंचे मुस्लिम जंग ब्रिज। फिर वहां से मौजूम जाही मार्केट के सिग्नल पे कुछ देर वेट किया, और रास्ते में तेलंगाना की नई सेक्रेटरीट की बिल्डिंग नजर आई, और उससे थोड़ा दूर जाती ही यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा नीरा कैफे। और जाते ही ये टापर की बॉडी देख के लोग फिदा हो रहे थे। Thank you.
सिर्फ यहाँ पे नीरा नहीं बेचा जा रहा बल्कि शहद और गुड़ भी बेचा जा रहा है। प्राइसेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जहाँ तक नीरा की बात है, नो स्टॉक का बोर्ड लगा था, वही दूसरी जगह लिखा हुआ था कि नीरा की सेल शुरू होने वाली है सुबह 11 बजे से। 11 बजे से ये लोग लाइन लगाकर ठहर गए थे, लेकिन सेल शुरू हुई 11:20 पर। जहाँ तक टेस्ट की बात है, काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग टेस्ट था, बड़े बड़े एनर्जी ड्रिंक सामने हाथ धोना। और जहाँ तक प्राइस की बात है, 90 रुपए में 300 ml मिल रहा था, यानी कि रेडबुल से कम रेट में मिल रहा है। और वीडियो को देखना नहीं रहता, चैनल को सब्सक्राइब करना भी रहता। और जहाँ तक टैंक बॉन्ड के पानी की बो है, वहाँ पर कोई भी बो नहीं आ रही थी। और इससे मुताबिक कोई भी सवाल हो कमेंट करके हमें जरूर बताया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।